तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के बैटरी का चार्ज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है? क्या आपके इंटरनेट का डाटा बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के बैटरी का चार्ज को सेव कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा टाइम यूज कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप कैसे अपने इंटरनेट का डाटा को बचा पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डाटा यूसेज लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, तो आपके मोबाइल पे अलग कुछ तरह का खुलेगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो मेरे मोबाइल में इस तरह खुला है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे, तो यहाँ देखिए हमारे मोबाइल पे जितने भी ऐप्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जिन जिन ऐप को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसकी बैकग्राउंड डाटा को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे बैकग्राउंड पे रनिंग होता है और हमारे बैटरी का चार्ज को कंज्यूम करता है। उसके साथ साथ हमारे मोबाइल का डाटा को भी ये कंज्यूम करता है, जिसके वजह से हमारा बैटरी लो हो जाता है और इंटरनेट का डाटा ख़त्म हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, जिस जिसको नहीं इस्तेमाल करता उसे ऑफ कर देंगे। मान लो ये जो टिकटॉक ऐप है, इसे मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो एरो मार्क है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डाटा लिखा है, अब हम उस पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह आप भी जो जो ऐप आप नहीं इस्तेमाल करते उसे ऑफ कर दीजिए, जिसके वजह से आपके मोबाइल का डाटा भी कम यूज होगा, उसके साथ साथ आपके मोबाइल की बैटरी भी लॉन्ग लाइफ लास्टिंग होगी। तब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पे क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर पे थ्री लाइन है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स ओवर वाईफाई ओनली, इसका मतलब ये हुआ जब आपके एरिया में कहीं पे भी वाईफाई अवेलेबल होगा तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जितने भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में वो सब अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तब हम क्या करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे। ऊपर देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, उस पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देंगे। अब ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा और अपडेट भी नहीं होगा और हमारा मोबाइल का बैटरी का चार्ज भी बच जाएगा। तो अब हम जाएंगे हमारे तीसरे सेटिंग पे, उसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लोकेशन, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए लोकेशन ऑन है, इसे ऑफ कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल में बहुत ऐसे ऐप्स हैं जो हमारा लोकेशन को इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से हमारा बैटरी का लाइफ बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा नेट का डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देने के बाद अब हम बैक जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तीन ट्रिक्स आपको मैंने बताई, अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपके मोबाइल का बैटरी बहुत ही लॉन्ग लाइफ लास्टिंग करेगा, उसके साथ साथ आपका हर रोज का डाटा भी बच जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे और इस वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में दिए गए उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप पा सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।